हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है तो उसके बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ में उसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कल, जैसे मैंने ये वाला वीडियो डाला था डाटा एंट्री ऑपरेटर जो CACB में चला था, तो उसके वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में पूरा डिटेल बता दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को वैकेंसी के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं देखते हैं। तो देखिए, आप लोग छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर यानी कि cgvapam.choice.go.in इस पे आकर आप यहां पर देखोगे तो आपको दिखेगा, यहां पर देखिए कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2018, ठीक है। उसके बाद में नीचे आओगे तो नीचे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर विस्तृत विज्ञापन। तो एक एक करके इसके अंदर क्लिक कर देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या जो है वैकेंसी है और किस प्रकार की वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं, ठीक है, किसके लिए वैकेंसी है, तो वो सारी जानकारी यहां पर क्लिक कर हमको मिलेगी। तो यहां पर प्रेस नोट पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, पहले प्रेस नोट पे क्लिक करते ही मुझे क्या दिख रहा है, तो यहां पर मुझे दिख रहा है, देखिए मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं। पहले मैंने पहले प्रेस नोट पे क्लिक किया तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि यहां पर बताया गया है कि 13/11/2018 से निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कि 13 कल से जो थे, कल यानी बीता हुआ कल से जो है आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। अब इसमें देखिए डेट वाइज सब कुछ दिया हुआ है कि परीक्षा की तिथि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार को है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं सहायक प्रोग्रामर एक लिखित परीक्षा आयोजित होगी। तो यहां पर देखिए दो जो परीक्षा आयोजित होगी, फिर तीसरा दिया गया है, मतलब यहां पर दूसरा में सहायक रजिस्ट्रार IT एवं कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो यह 6 जनवरी को। उसके बाद में परीक्षा की तिथि दिया गया है सहायक लाइब्रेरियन एवं लाइब्रेरी सहायक 13 जनवरी को, और दिया हुआ है सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर, इसका 27 जनवरी को। उपरोक्त सभी ऑनलाइन सभी परीक्षाओं हेतु व्यापम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 13/11, तो आपको डेट याद रखना है 13/11 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि जो है वो है 2/12/2018, ठीक है। तो ये आप पहले एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे जो मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे ये दिखा विस्तृत विज्ञापन शुद्धि पत्र, ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये वाला जो है विज्ञापन, यहां पर से मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु भर्ती परीक्षा, तो आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करोगे तो आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार दिखेगा। तो इसको पहले देख लेते हैं न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया हुआ था, ठीक है। यहां पर दिया गया एडवर्टाइजमेंट आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग यहां पर से देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में देखिए यहां पर सीरियल नंबर दिया गया है, यहां पर नेम ऑफ पोस्ट दिया गया, लेवल इन पे मैट्रिक दिया गया, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया। तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर पोस्ट कौन कौन सी है। देखिए 11 पोस्ट यहां पर दिखा रही है, पहला असिस्टेंट ग्रेड 3, लेवल इन पे मैट्रिक्स है 4 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 170, 170 पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 की। असिस्टेंट ग्रेड 3 कंप्यूटर लेवल इन पे मैट्रिक्स है 4 और 7 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लेवल इन पे मैट्रिक्स है 6 और 24 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोग्रामर के 9 लेवल है और 3 पोस्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10 लेवल है और 2 पोस्ट है। हार्डवेयर इंजीनियर 10 लेवल है, 2 पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार IT जो है 12 लेवल है पे इन मैट्रिक्स में और 1 पोस्ट है। कंप्यूटर प्रोग्रामर में 12 लेवल है और 2 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 7 लेवल है और 5 पोस्ट है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट है तो इसके 1 पोस्ट है और ट्रांसलेटर का 8 पोस्ट है। तो इस हिसाब से जो है वो पोस्ट है, ये है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विभागीय विज्ञापन, तो विभागीय विज्ञापन के अंदर में आगे देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये है विभागीय विज्ञापन, तो यहां पर भी जो है आपको वही सब दिखाया गया है कि डेट जो है वो ऑनलाइन भरने की और वो सब एग्जाम के डेट जो यहां पर दिए गए हैं, आप जिसमें भरोगे उसके हिसाब से दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा का कोड दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो ये सब आप जानते ही हो कि किस प्रकार फॉर्म फिलअप किया जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पर, ये जो नंबर यहाँ पर दिया गया है इस पर आप फोन कर बात कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है तो आप इन नंबरों पर बात कर सकते हो। पाठ्यक्रम संबंधित जानकारियां मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सिलेबस किस टाइप का है इसका, क्या क्या सिलेबस है तो वो देखेंगे। देखिए यहां पर परीक्षा की पद्धति देख लेते हैं, तो यहां पर है आयोजित की जाएगी जिसमें 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 150
वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो परीक्षा की समयावधि है वो है 3 घंटे, 3 घंटे का पेपर होगा। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर में माइनस मार्किंग है या नहीं। तो देखिए यहां पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए कि ऋणात्मक अंक भी है, यानी कि गलत उत्तर पर अंक काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये दिखाना था। बाकी इसके अंदर आप लोगों ने ये पहले ही टाइप का जो कुछ है वो दिया गया है। ठीक, तो ये हो गया विभागीय विज्ञापन। और देख लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। तो व्यापम परीक्षा निर्देश, व्यापम परीक्षा निर्देश भी देख लेते हैं। देखिए व्यापम परीक्षा निर्देश के अंदर में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक, और क्या देखते हैं इसके अंदर में, तो इसका जो एक जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। देखिए यहां पर विस्तृत विज्ञापन है, इसको एक बार पहले देख लेते हैं विस्तृत विज्ञापन को, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि विस्तृत विज्ञापन के अंदर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोग को पोस्ट वोस्ट बता दिया और आप लोग को ही भरना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर में पोस्ट है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो है पोस्ट जो है आप भरेंगे। ठीक है, तो वो डिटेल में यहां पर एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप का आपको भरना है। ठीक, तो ये जो है विस्तृत एडवर्टाइजमेंट है हाईकोर्ट का, इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहां पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, वो सब आपको यहां पर देखना है। देखिए जैसे कि आपने असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, ठीक है, इसके अंदर में 170 जो है 170 पोस्ट है, इंक्लूडिंग 38 बैकलॉग पोस्ट। बैकलॉग पोस्ट वो होती है जो पिछले बार में भरी नहीं गई होती है, वो बैकलॉग पोस्ट होती है। और इसके अंदर में देखिए सब कुछ दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी के लिए 56 है, इंक्लूडिंग 3 ऑफ दिव्यांग, 3 पोस्ट जो है वो दिव्यांगों के लिए है और 16 पोस्ट जो है वो वुमेन के लिए। तो ऐसा यहां पर पूरा डिवाइड करके दिया हुआ है। तो ये विज्ञापन जब भी आप देखें तो आप इस टाइप से पूरा खोलकर पहले एक बार पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहां पर वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूं कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो है उसके अंदर में 170 पोस्ट है, उसके अंदर में जनरल कैटेगरी में 56 है, उनके अंदर में फिर दिव्यांगों के लिए 3 है, 16 वुमेन के लिए। एससी कैटेगरी में 26 पोस्ट है, 1 जो है दिव्यांग के लिए है और 7 वुमेन के लिए। एसटी के अंदर 64 पोस्ट है, तो 4 दिव्यांग के लिए, 19 वुमेन के लिए। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है। अब इस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि मस्ट बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको ग्रेजुएट होना है। सेकंड दिया गया कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम ITI और एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, 1 ईयर का आपका डिप्लोमा जो होना चाहिए कंप्यूटर पे। ठीक, तो ये है पहले पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए क्वालिफिकेशन, तो आप भर पाओगे। उसके बाद आप सेकंड पे आओगे, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड कंप्यूटर दिया गया है यहां पर। ठीक है, यहां पर जो है नंबर ऑफ पोस्ट है 7। ठीक है, इंक्लूडिंग 1 बैकलॉग पोस्ट है। फिर यहां पर देखिए पोस्ट डिवाइड कर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो। क्वालिफिकेशन देखना आपको मस्ट है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन दिया गया कि मस्ट बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, कंप्यूटर की आपको बहुत ज्यादा यहां पर जरूरत पड़ेगी, जो भी है कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। ठीक है, उसके तीसरा जो है डाटा एंट्री है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 24 पोस्ट है। यहां पर सारा कुछ दिया गया है कि किसके किसके लिए कितने कितने पोस्ट है, तो उस हिसाब से आप जो है पोस्ट भरोगे। क्वालिफिकेशन आप जरूर पढ़कर ही जाना है आपको, क्वालिफिकेशन तभी आप फॉर्म भर पाओगे। तो देखिए वर्किंग नॉलेज ऑफ यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज एनटी विद द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहां पर देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या दिया गया है, तो और करके दिया हुआ है, आप सब पढ़ सकते हो। एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, बैचलर डिग्री मांग रही है यहां पर। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद PGDCA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 0 लेवल कोर्स फ्रॉम DOE। ठीक है, फिर सब कुछ दिया गया है यहां पर। ये पूरा आप जब पढ़ोगे उसके बाद ही आप फॉर्म भरोगे, ऐसे फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। चौथा जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोग्रामर, उसके लिए अलग दिया गया है क्वालिफिकेशन, तो आप पहले क्वालिफिकेशन पढ़ोगे उसके बाद ही फॉर्म भरोगे। उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके लिए अलग दिया गया क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन देखने के बाद में ही फॉर्म भरोगे। ठीक है, सारा कुछ देखने के बाद में ही फॉर्म भरना। हार्डवेयर इंजीनियर है, तो हार्डवेयर इंजीनियर के 2 पोस्ट है, जनरल के लिए एक है और एसटी के लिए एक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया यहां पर, तो आप देख के फॉर्म भरोगे। सातवां पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार IT, एक ही पोस्ट है। ठीक है, तो आप उसको देखकर भरोगे। कंप्यूटर प्रोग्रामर आप देखकर भरोगे। तो आप ये सारा कुछ जो है पहले यहां से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में भरिएगा। देखिए यहां पर जो है टोटल, यहां पर हम देख लेते हैं क्या दिया गया है, तो एक बार देख लीजिए यहां पर। तो द टोटल मार्क्स विल बी 225, यानी 225 मार्क्स है।
मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 150 का है, मार्क्स ऑफ स्किल टेस्ट जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा, और मार्क्स ऑफ इंटरव्यू आपका 25 नंबर का होगा। तो ये आपको देखना, और यहां पर देखिए ये अलग पोस्टों के लिए है, और यहां पर देखिए फॉर द पोस्ट AG3 कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर ओनली रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड, तो उनके लिए है टोटल मार्क्स जो है वो 200 नंबर का है, रिटर्न एग्जामिनेशन 150 नंबर का, और स्किल टेस्ट जो है वो 50 नंबर का है। ठीक है, 150 का रिटर्न है और 50 नंबर का जो है स्किल टेस्ट है। ये सारा कुछ देखने के बाद में ही आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। ठीक है, आपको सब कुछ दिया हुआ है यहां पर, एज लिमिट वगैरह भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए 40 साल यहां पर अपर एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, पूरा सब आप एक बार अच्छे से इसको देखने के बाद में फॉर्म फिलअप करिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो मैं कल क्या है, अगर आपका कमेंट आएगा तो वहां पर देखिए, अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने फोन नंबर दिया था वहां पर फोन नंबर पर फोन कर पूछ लेना है। ठीक है, अब हम इसके सिलेबस की ओर चलते हैं। ठीक है, कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो देखिए यहां पर पाठ्यक्रम दिया गया है, तो आप पाठ्यक्रम पर आ जाइए। अब आपको पाठ्यक्रम में यहां पर दिया गया है, देखिए पहला पाठ्यक्रम यहां पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 150 अंक किस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे। तो मैं अभी आपको सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूं इसका सिलेबस, क्योंकि अदर का मैं वैसे भी सिलेबस बता के मेरे को कोई मतलब, यानी मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा सिलेबस के अलावा, क्योंकि वो अलग बैकग्राउंड से, जिस बैकग्राउंड से मैं नहीं आता। ठीक है, तो आपको वो सिलेबस कहां से जाकर देखना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर सिलेबस लिखा हुआ है, इस सिलेबस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका किसका सिलेबस कहां आपको देखना है। जैसे कि मैं यहां पर सिलेबस पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का पाठ्यक्रम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं सहायक प्रोग्रामर का पाठ्यक्रम, सहायक रजिस्ट्रार आईटी कंप्यूटर पाठ्यक्रम, हार्डवेयर इंजीनियर का पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इनके ऊपर क्लिक कर देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ अभी यहां पर दिखा रहा हूं डाटा एंट्री ऑपरेटर का पाठ्यक्रम, तो ये किस प्रकार का होगा वो आप देख लीजिए। तो देखिए यहां पर दिया गया है पहले सेक्शन के अंदर में एनालिटिकल रीजनिंग स्किल 15 नंबर का आएगा। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग स्किल ये 15 नंबर का आएगा। क्वांटिटेटिव स्किल अर्थमेटिक, यानी क्वांटिटी मतलब मैथ्स के अंदर में अर्थमेटिक, एलिमेंट्री, एलजेब्रा, कॉमनली नोन कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक और एलिमेंट्री एलजेब्रा, ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसके अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, 15 नंबर का आएगा। उसके बाद तीसरा जो दिया गया यहां पर वर्बल स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का पार्ट है ये, सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, ये 20 नंबर का है, यानी इंग्लिश 20 नंबर का है, क्वांट जो है वो 15 नंबर का है, और रीजनिंग जो है वो 15 नंबर का, 15, 15, 30 और 20 50 नंबर का ये है। उसके बाद आएगा आपका 100 नंबर का, जो 150 नंबर का लिखित परीक्षा है उसके अंदर की बात कर रहे हैं। इसके अंदर सेक्शन 2 जो है, अब देखिए सेक्शन 2 के अंदर में क्या दिया गया, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए दिया गया ये यहां पर, ये है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर में आपको ये चीज आपको आना चाहिए, जैसे कि वर्किंग विथ एमएस डॉस ऑपरेटिंग हार्ड डिस्क एंड लेटेस्ट रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये सब डॉस, ये सब बूटिंग, तो फॉर्मेटिंग, ये सब आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद में एमएस विंडोज एंड उबंटू, तो इसके बारे में यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी सिलेबस दिया गया है कि ये चीज आपके अंदर, इसके अंदर से पूछा जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में उन्हीं लोग ये एग्जाम दे सकते हैं अच्छे से, जिनके पास में डिप्लोमा वगैरह है जो क्वालिफिकेशन में दिया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग उसके बाद में है, देखिए पावर पॉइंट एक्सेस, उसके बाद में वर्किंग विथ लैन, ठीक है, एंटीवायरस, नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो ये सारा कुछ जो है सिलेबस है, आप अच्छे से देख कर जाइएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट, अब यहां पर स्किल टेस्ट जो आपको 50 मार्क्स का होना है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो वो देख लीजिए, नॉलेज ऑफ लिनक्स, तो ये सब कुछ दिया गया यहां पर, नॉलेज ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, ठीक है, ओएस इंस्टॉलेशन ऑफ ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, तो ये सब कुछ जो है आपका स्किल टेस्ट के अंदर में आएगा। ये आपका है 50 मार्क्स का, 150 मार्क्स का आपका ये रिटर्न टेस्ट रिटर्न होगा ये वाला। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर में आएगा। और यहाँ पर और भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम अनरिजर्व, यानी जनरल कैटेगरी में 50% मार्क्स जो है लाना ही लाना है। ठीक है, और मार्क्स एंड SC एंड ST एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम 40%, SC OBC और ST के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है,
और जनरल के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो सिलेबस है, ठीक है। एक सिलेबस और मैं आपको बता देता हूं जो जो मेरे समझ में है, क्योंकि बाकी सब तो मेरे समझ से बाहर है, और आप लोग जो इसको भरना चाहते हैं मैंने आपको बता दिया कि यहां से आप आकर क्लिक कर आपका जो है देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में आपका जो लास्ट है सहायक ग्रेड 3 एम सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर पाठ्यक्रम, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, किस प्रकार आपको देखना है और ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक। देखिए अब ये आपके लिए अच्छा जो है वो है पाठ्यक्रम, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 एम सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर, तो कुल ये है 150 अंक का सामान्य अध्ययन योग्यता परीक्षा भाग एक। अब इसमें देखिए क्या है, इस प्रश्न पत्र में 40 अंक के कुल 40 प्रश्न होंगे। तो सामान्य अध्ययन के अंदर में क्या पूछा जाएगा, भारत एवं भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य, समसामयिकी घटनाएं, पर्यावरण, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ का भी वैसा ही सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, तो वही स्वतंत्रता आंदोलन, इतिहास, वही छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल भूगोल, तो ये सब कुछ सिलेबस जो है आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये सिलेबस है। फिर भाग दो के अंदर में देखते हैं, भाग दो के अंदर में ये वाला जो सिलेबस है, मैंने कल आप लोगों को जो कल वाला वीडियो नहीं देखा हो, जिन लोगों ने सीएसईबी का जो हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि आप कंप्यूटर का जो पीडीएफ मैंने बनाया हुआ वो आप ले लीजिएगा और 10 वीडियो जो है देख लीजिएगा, तो उससे ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 10 वीडियोस आप वीडियोस की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कंप्यूटर के, और इसका पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा 30 नंबर का आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। पूरा इसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, पूरा इसी प्रकार आपको मिलेगा ये 10, ठीक है। 10 के 10 वीडियोस हैं और आप वो जो है बाय कर सकते हो पीडीएफ। तो आप कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से ले सकते हैं और वीडियो जाकर देखिए, ये भार्गव क्लासेस के प्लेलिस्ट में आकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर एक बार, देखिए ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो इस कंप्यूटर के नीचे आपको क्लिक करना है, सीजी व्यापम कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसमें आपको सिक्वेंस वाइज वो वीडियो जो है देखिए यहां पर मिल जाएगा। कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, मल्टीमीडिया, तो इस प्रकार आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ठीक। उसके बाद इसके अंदर भाग दो के बाद में, भाग दो में 30 नंबर का है, फिर है 20 नंबर का सामान्य मानसिक योग्यता, इस भाग में निम्नांकित प्रश्न पूछे, तर्क करने, यानी कि इसके अंदर में रीजनिंग का भाग है यहां पर, फिर है सामान्य गणित, दशमलव प्रणाली, ये आप सिलेबस आपने ये पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक एकदम इजी जो है वो दिया गया है पूरा यहां पर। फिर इसके अंदर में एक चीज और पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी का भी आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, इसकी एक मैंने जो पीडीएफ ईबुक बनाई है वो भी आप ले सकते हैं, तो इससे 20 नंबर का आपका ये कवर हो जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, स्किल टेस्ट में क्या होगा देख लेते हैं। तो 50 मार्क्स का आप होगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, ये आपका 50 मार्क्स होगा। मार्क टू बी डिटेक्टेड ईच मिस्टेक, 1/4 मिस्टेक करोगे तो 1/4 मार्क्स कट जाएगा, ठीक। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है 25 मार्क्स का, हिंदी टाइपिंग टेस्ट है 25 मार्क्स का, गलत करोगे तो 1/4 मार्क्स जो है कट जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर में भी वही है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 50% सिक्योर करना है, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 40% जो है सिक्योर करना है, ठीक। तो ये है, मैंने दो सिलेबस आप लोगों को पूरा दिखा दिया और ये सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे क्लासेस में जाकर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का पूरा सिक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आपको हिंदी चाहिए तो आप हिंदी में यहां पर प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी में क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी के भी सारे वीडियोस लगभग मिल जाएंगे, और भी आपका सामान्य अध्ययन के पूरे वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हिंदी के हो गए, हिंदी में आप प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो हिंदी के वीडियोस सारे मिल जाएंगे। उसी प्रकार आप सामान्य अध्ययन पे क्लिक करोगे तो आपको सामान्य अध्ययन के भी बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, मध्यकालीन है, सब कुछ है यहाँ पर, आप सारा कुछ आकर इंडिया जीके देख लीजिए, आप यहाँ क्लिक करेंगे इंडिया जीके के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, तो आप इस प्रकार तैयारी जो है कर सकते हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम के अंदर मैंने क्या क्या बता दिया, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पाठ्यक्रम बता दिए, उसके बाद सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर का पाठ्यक्रम आपको बता दिया, सिलेबस मतलब बता दिया, और कैसे कैसे पोस्ट है बाकी आप आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, अगर मेरे से नहीं आता होगा या मैं नहीं जानता हूंगा तो आप नंबर पे बात कर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, आप जिस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं,
मैं ये दो सिलेबस के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पाठ्यक्रम और सहायक ग्रेड थ्री और सहायक ग्रेड थ्री कंप्यूटर का पाठ्यक्रम। बाकी पाठ्यक्रम तो आप खुद से देख सकते हैं, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।